नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज चंद्रमा का संचार दिन रात तुला राशि में रहेगा। इसके साथ ही सूर्य शुक्र केतु भी इसी राशि में रहेंगे। साथ ही आज तुला राशि में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रह नक्षत्र के संयोग से इसका प्रभाव आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि आज संतान के करियर और शिक्षा से जुड़ी चिंता दूर करने से राहत मिलेगी। आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। अपने कर्म पर अधिक विश्वास रखना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक वातावरण में सुख शांति बनी रहेगी। कमजोरी और जोड़ों की दर्द समस्या हो सकती है। वृष राशि, गणेश जी वृष राशि वालों से कह रहे हैं कि आज ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। आलस्य छोड़िए और पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खुद को अपने काम में लगाएं। समय आपकी नई सफलता का निर्माण कर रहा है। आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। बच्चों की समस्या के समाधान के लिए कुछ समय उनके साथ बिताएं। जोड़ों के दर्द से शिकायत रह सकती है। मिथुन राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि सफल होने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को पूल करने की नई नीतियों के साथ आने की जरूरत है। अपना समय गलत गतिविधियों में बर्बाद न करें। पति पत्नी एक दूसरे के सहयोग से पारिवारिक माहौल में शांतिपूर्ण बना पाएंगे। तनाव क्रोध जैसी स्थितियां किसी बिंदु पे प्रबल हो सकती हैं। कर्क राशि, गणेश जी कर्क राशि वालों से कह रहे हैं कि आज भाग्य के सितारे प्रबल होंगे और आपके अटके हुए कार्यों को गति देंगे। घरों में बड़ों की सलाह और मार्गदर्शन पे ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में पिछले व कुछ वर्षों से चली आई समस्या आज सफल होने की संभावना है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। सिंह राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय अपने परिवार को दें। किसी भी कार्य को शांति से सोचकर ही पूरा करें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य खोना उचित नहीं है। आज किसी समस्या का सामना करने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रह सकता है। कन्या राशि, गणेश जी कन्या राशि वालों से कह रहे हैं कि समय सकारात्मक स्थिति पैदा कर रहा है। जरूरतमंदों बड़ों की सेवा और देखभाल करने में भी आपको विशेष रुचि होगी। विवाह योग्य सदस्य के अच्छे संबंध होने से घर में खुशी का माहौल आएगा। गैस और कब्ज के कारण दैनिक दिनचर्या बाधित हो सकती है। तुला राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि आज आपका समय राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में अच्छा बीतेगा। युवा अपनी मेहनत का सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। सफलता के कारण आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। वृश्चिक राशि, गणेश जी वृश्चिक राशि वालों से कह रहे हैं कि किसी निकट सुधारित समस्या को सुलझाने में आपकी विशेष भूमिका होगी। यह आपके प्रभाव और व्यक्तित्व को बढ़ा सकता है। घर में किसी जरूरत चीज़ों की मार्केटिंग में भी समय व्यतीत होगा। पैसों को लेकर कोई समझौता न करें। लंबे समय बाद परिवार के साथ मौज मस्ती करने में सभी को मजा आएगा। धनुराशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी से हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उन्नति के नए रास्ते पे भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कभी कभी आपको अपने आत्मविश्वास में कमी का अनुभव हो सकता है। इसके लिए योग और ध्यान का सहारा लेने में आपको लाभ होगा। आपका गुस्सेल स्वभाव आपके परिवार वालों को परेशान कर सकता है। मकर राशि, गणेश जी मकर राशि वालों से कह रहे हैं कि व्यक्तिगत और आर्थिक पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाएं। बच्चों के साथ बैठकर की समस्याओं को समाधान ढूंढने में आपको खुशी मिलेगी। सेहत थोड़ी नरम रह सकती है। कुंभ राशि वालों से गणेश जी कह रहे हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक सुख बना रहेगा। मन चाहे कार्यों को समय पर पूरा करने से मन खुशी रहेगा। अगर आप विकसित होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्वार्थी होने की जरूरत है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा अकेलेपन महसूस किया जा सकता है। घर में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर परिवार की सदस्यों तक योजना बनेगी। मीन राशि, गणेश जी और मीन राशि वालों से कह रहे हैं कि आज आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इससे आपकी कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होगी। कार्य क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियाँ आज थोड़ी धीमी हो सकती है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा।